जिला बिलासपुर में 5 दिन तक वन महोत्सव चलेगा। इसके अंतर्गत 109 हेक्टेयर भूमि पर 68,900 पौधे लगाए जाएंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। जिला बिलासपुर में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा व वन विभाग डीएफओ सरोज भाई पटेल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इनके साथ वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने बताया कि जिला बिलासपुर में 23 स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे। मुख्य अतिथि ने लोगों से अपील की कि पौधारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और वन होगा तो हमारा जीवन होगा। वन विभाग का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आज इसकी शुरुआत जिला बिलासपुर में यहां जामली नामक गांव से हुई है। और जिला बिलासपुर में इस साल 109 हेक्टेयर भूमि पर 23 स्थानों में 62,900 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और ये अभियान आज यानी 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। ये वन विभाग के द्वारा तय किया गया लक्ष्य है, परंतु मेरा आग्रह है, मेरी अपील है समस्त जनता से कि वो इसके अलावा भी अपने अपने घरों के पास, अपनी अपनी ज़मीन में और अपने साथ लगते क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा वन होंगे, जितने ज़्यादा पौधे होंगे, उतना ही हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और हमारा वातावरण जो है वो शुद्ध रहेगा और वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज इस मौके पर यही अपील करता हूँ कि हम अधिक से अधिक पौधे जो हैं वो लगाएं और उनको संरक्षण दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनकी रक्षा करें ताकि वो सिर्फ लगाने का ही काम ना हो, वो पूरी तरह से वृक्ष बने और हमारे इस क्षेत्र को हरा भरा रखें। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।